उसे किस तरीके से देखते हैं और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? हम लोग ने डे वन से कहा है इस चीज को कि ये गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने की एक इन लोगों का प्रयास है और किस हद तक भाजपा गिर सकती है आज इस चीज़ को हम लोग ने देख लिया है। सत्ता का भूख के लिए ये लोग किस हद तक गिरेगा ये चीज़ सब सामने आ गया है सबके और डट के खड़े हैं हम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं ईडी से, आगे भी कुछ जो भी कोऑपरेशन ज़रूरी होगा उन वो देंगे और हम उनके साथ भी आगे समर्थन में खड़े रहेंगे। आज बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष रहा? आज का वैसा कुछ बैठक का स्ट्रैटेजाइज ही नहीं था। यहाँ पे जो भी हम लोग का जनता को जो संबोधित किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उसके बाद हमारा बस थोड़ा सा कैजुअल भेंट हुआ मुख्यमंत्री जी के साथ और बस, और कुछ खास नहीं था। निश्चिंत है कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब चीज ऑल इज वेल हो गया? राजनीति में अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो ऑल इज नॉट वेल, प्रॉब्लम्स होंगे। और जिस तरह से हम बहुमत की सरकार जो यहाँ पे डट के खड़ी है, ये काफ़ी लोगों का जो विपक्ष का जो मनोबल है उसको भी कमज़ोर कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट करते रहेंगे और हर एक प्रॉब्लम्स को स्टेप बाई स्टेप बिल्कुल मुकाबला किया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।